साल जून 2024 का सबको इंतजार है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अभी खरीदारी करके चल रहे हैं, चाहे वो स्टॉक्स में खरीदारी करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड में खरीदारी करें। देखो, आजकल अगर आप न्यूज़ सुनोगे तो 4 जून के बाद, जी हाँ, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मार्केट में अच्छा खासा एक जंप देखने को मिल सकता है। इसके चलते यहाँ पे खरीदारी खूब ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखो, मेरा मानना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप इलेक्शन के पहले करें या इलेक्शन के बाद करें, आप शॉर्ट टाइम के लिए आप फोकस ना करें, लॉन्ग टाइम के लिए ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना के अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। आपको इस न्यूज के चलते क्या क्या गलती नहीं करना है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, मैं इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक्स में यहाँ पे खरीदारी करके चल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सेक्टर के स्टॉक्स पे आपको खरीदारी नहीं करना है। हाँ, आने वाले 4 जून को यहाँ 5% 10% जंप कर सकता है, तो आज यहाँ पे स्टॉक्स का खरीदारी करके और हम लेके बैठ के ये गलती नहीं करना है। भले हमने ये नहीं देखा कि क्या वो स्टॉक्स अपने अच्छे बाइंग प्राइस पे है या नहीं, या फिर हमने बस इन्वेस्ट कर दिया, भले ही अगर हम टेक्निकल रिसर्च देखें, फंडामेंटल देखें, तो वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, स्टॉक्स का खरीदारी आपको करना ही है, तो ये ज़रूर चेक करें कि क्या वो स्टॉक्स का जो प्राइस है वो सस्ता है या नहीं है। आप टेक्निकल रिसर्च के थ्रू उस स्टॉक्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो स्टॉक सस्ता है या महंगा है, तब जाके आपको ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी करना है। ये भी ध्यान दे सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आने वाले समय में चल सकता है, वैसे सेक्टर के वैसे स्टॉक्स को फोकस करना है जो फंडामेंटल काफ़ी अच्छा हो और अच्छे प्राइस पे, इट मीन्स कि बाइंग प्राइस पे मिल रहा हो, एक एक्चुअल प्राइस है उसके आसपास आपको दिख रहा हो, वैसे स्टॉक्स में आपको खरीदारी करना है। देखो, इन्वेस्टर गलती क्या कर देते हैं, महंगे दामों पे स्टॉक्स में इंटर कर जाते हैं और मान लो अगर 4 जून को मार्केट में दबाव हो गया, मार्केट में गिरावट देखने को मिल गया, तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे? हालांकि ये कोई भी नहीं बता सकता, तो आपको अपना रिस्क को मिनिमाइज करके भी चलना है। कुछ सेक्टर में यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर यहाँ पे बीजेपी का सरकार बनता है, जैसे कि अगर मैं बता दूँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, पावर बैंक्स, रेलवे एंड डिफेंस से रिलेटेड जो है सेक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा चल सकता है, मजबूती आपको देखने को मिल सकता है 4 जून के रिजल्ट जैसे आउट होंगे उसके बाद। फिर भी मैं बताऊंगा, लॉन्ग टाइम के लिए आपको फोकस करना है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप लॉस में वहाँ बुक करके निकल गए या ब्रेक इवन पॉइंट पे निकल गए। हमेशा कंसीडर करो कि एक अपॉर्चुनिटी हो तब हम इंटर करें और लॉन्ग टाइम को व्यू को लेके हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। देखो, मेरा क्या मानना है कि हो सकता है कि इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी सरकार यहाँ पे बनाती है तो मार्केट में करीबन 8 से 10% का जंप देखने को मिल सकता है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे गिरावट हो। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आंकड़े मैंने देखे हैं। जी हाँ, अगर मैं पिछले 4 या 5 इलेक्शन का रिजल्ट देखूं और उस समय मार्केट का सिचुएशन देखूं, तो मार्केट में जंप देखने को मिला है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद दबाव देखने को मिला। दूसरा रीजन क्या है, पिछले 4 सालों से अगर हम देखें तो मार्केट में हमें रैली ही देखने को मिल रहा है, मार्केट ने हर साल कुछ अच्छा खासा पैसा बना के ही दिया है, और उसके साथ ही साथ ये भी देखोगे तो मार्केट कुछ महंगे प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि बहुत महंगा नहीं है लेकिन कुछ महंगे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे दबाव बन सकता है, बिकवाली यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, और सिर्फ एक रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पे खरीदारी के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जी हाँ, FII भी पैसा लगा रही है और FII भी प्रॉफिट बुक करेगी अगर वहाँ पे मार्केट इलेक्शन के बाद कुछ मार्केट जंप देके जाता है, तो वहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग होगा, रिटेल इन्वेस्टर के साथ प्रॉफिट बुकिंग होगा, DII के साइड से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, FII के साइड से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और वहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बना के चलना चाहिए? देखो, अगर बहुत बड़ा लमसम करना है और आप चाहते हो कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है उससे कुछ जो बेनिफिट मिलेगा, मार्केट जंप करेगा, उसका बेनिफिट हम कुछ ले भी लें और हम रिस्क को भी मिनिमाइज करें, तो बड़ा अमाउंट है लमसम का तो 50% आप इलेक्शन के पहले यहाँ पे इन्वेस्ट करें और 50% पैसा आप हाथ में रखें कि गिरावट हो तो वहाँ पे इन्वेस्ट करें, जिससे थोड़ा सा आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाए, और अगर इलेक्शन के बाद यहाँ पे कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है तो उस अपॉर्चुनिटी को भी आप ग्रैब कर सको। लेकिन सिली मिस्टेक नहीं करना, अगर आप SIP कर रहे हो
तो किसी भी कंडीशन में, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, मार्केट का कैसा भी उठा पटक आपको देखने को मिले, मार्केट में यहाँ पे 30-40% का चाहे गिरावट क्यों ना हो, मार्केट का यहाँ पे पी रेशियो काफ़ी महंगा क्यों ना हो, ऐसे कंडीशंस पे, किसी भी कंडीशंस पे आपको अपने SIP को स्टॉप नहीं करना है, अपने SIP को बेझिझक कंटिन्यू करते रहे। बहुत आपके सामने ऐसे न्यूज़ आएंगे कि ये सेक्टर इलेक्शन के बाद ज़्यादा पैसा बना सकता है। वैसे न्यूज़ के बेसिस पे अगर आप खरीदारी करोगे तो हो सकता है आपके साथ धोखा हो। किसी सेक्टर और किसी थीमेटिक्स फंड को फोकस कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आउट होगा उसमें जो गेन देखने को मिल सकता है उसका अगर आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है तो पूरा पैसा अपना किसी भी सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में ना लगाएं। जी हाँ, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, पूरा पैसा आपको सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में नहीं लगाना है। 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये सेक्टर ज़्यादा पैसा बना के देगा, ये थीम बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है ये ज़्यादा पैसा बना के देगा। 5% भी मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपको नुकसान होगा और वाकई में आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा और उससे आपका वहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो कमज़ोर भी होगा। तो इसीलिए आपको रिस्क लेना भी है तो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके पैसा लगा देना है। कुल मिला के अगर मैं 2-3 पॉइंट रखूँ कि एक रिस्क भी आपका कैलकुलेटिव होना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन के साथ भी जाओ, ये वन शॉट में पूरा पैसा नहीं लगाना है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है अगर आप इलेक्शन के पहले यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। जी हाँ, जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ना लें। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। फिर लेकिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।